बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट पिछले एक महीने से लगातार स्टार किड्स होने के कारण ट्रोल हो रही हैं और ट्रोलर्स भी आलिया भट्ट को ट्रोल करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं एक बार फिर आलिया भट्ट पर कंगना रनौत की कटाक्ष और ट्रोलर्स तब भारी पड़े जब आलिया भट्ट ने अपनी बचपन की एक पिक सोशल मीडिया पर शेयर कर दी और इस पिक पर बड़ी बड़ी हस्तियों के कमेंट्स आने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्बन न्यूज। दरअसल कल आलिया भट्ट ने अपनी चाइल्डहुड पिक्चर अपने फैंस के साथ शेयर की थी। इस पिक के कैप्शन में आलिया भट्ट ने लिखा था, स्प्रेड सम लव, थोड़ा प्यार बांटते चलो। उनके इस पिक्चर को 13 लाख से ऊपर लाइक्स भी मिल चुके हैं। लेकिन कंगना रनौत का गुस्सा तब सातवें आसमान पर जा पहुंचा जब आलिया भट्ट की इस फोटो पर दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन और बिपाशा बासु जैसे बड़े सितारे कमेंट करने लगे। आलिया भट्ट की पोस्ट को लेकर कंगना रनौत की ऑफिशियल टीम ने ट्वीट कर लिखा, सुशांत की बहन ने ये पिक्चर पोस्ट की थी, किसी भी माफिया ने इस पर लाइक और उनकी क्यूटनेस पर कमेंट नहीं किया, क्यों? क्या सुशांत सिंह राजपूत एक बच्चे की तरह क्यूट नहीं है? वहीं आलिया भट्ट की फोटो पर कमेंट करने वाली सभी बड़ी हस्तियों को कंगना रनौत की ऑफिशियल टीम ने ट्वीट कर जवाब दिया। कंगना रनौत की ऑफिशियल टीम ने अपने ट्वीट में लिखा, यह है गेम ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इनमें से एक ने भी सुशांत के लिए जस्टिस नहीं मांगा है और आज एकदम बिम्बो के फोटो पे सारी इंडस्ट्री उतर आई तालियां बजाते हुए, वारे इंडस्ट्री। वहीं अपने अगले ट्वीट में कंगना रनौत की ऑफिशियल टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के बचपन की फोटो और आलिया भट्ट के बचपन की फोटो पोस्ट करते हुए फैंस से ये डिसाइड करने को कहा है कि आखिर दोनों में से कौन ज्यादा क्यूट है, दसवीं फेल आलिया भट्ट या फिर जीनियस और जेन्युइनली गुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। बताते चले, आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट को सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस स्टेशन में 27 जुलाई को बुलाया गया था, जिस दौरान उन्होंने मुंबई पुलिस को अपना बयान भी दिया है। लेकिन इसी बीच जाने माने पत्रकार अर्णव गोस्वामी ने महेश भट्ट को वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के आरोप लगाए हैं मुंबई पुलिस पर। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।